अस्सलाम वालेकुम एसएलएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका उर्दू का 34 लेक्चर है। आप अपनी गौहर उर्दू की राइटिंग बुक निकालें और उसका पेज नंबर 40 ओपन करें। जी मदर, आपने बच्चे को पेज नंबर 40 ओपन करके दे दिया। सबसे पहले आप यहां पर आज की डेट मेंशन करें। आज की डेट है 33/01। ये आपको हर्फ नजर आ रहा है, इस पर हमने कल भी राइटिंग की थी। बहुत इजी राइटिंग थी। कौन सा हर्फ है? रे खाली। कौन सा हर्फ है? रे खाली। रे से रोबोट, रे से रोबोट, रे से रुमाल, रे से रुमाल, रे से रॉकेट, रे से रॉकेट। अब हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से रे पर राइटिंग कर दी है। आपको पता है कि उर्दू की राइटिंग किस साइड से स्टार्ट करते हैं? जी हाँ, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। पेंसिल को 3 फिंगर्स के साथ पकड़ना है, बुक के ऊपर दबाकर राइटिंग करनी है। ऐसे उल्टे तरीके से राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी और ना ही जल्दी जल्दी में राइटिंग करनी है। जल्दी जल्दी में डॉट्स पर राइटिंग करनी है तो वो अच्छी राइटिंग नहीं आती। चले अब हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी राइटिंग है। पेंसिल को बुक के ऊपर दबा कर रखा, ये राइट किया, रे खाली, रे खाली, रे खाली। साथ साथ रीड भी करना है, साथ साथ राइट भी करना है और साथ साथ रीड भी करना है, ताकि आपको पता चले कि आप कौन से हर्फ पर राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, रे खाली, रे खाली, रे खाली, रे खाली, रे खाली, रे खाली, रे खाली। समझ में आ गई? इजी है ना राइटिंग? चलें, वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, इस फर्स्ट हर्फ रे से लेकर यहां तक 2 लाइंस पर आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको राइटिंग समझाई है, इसी तरीके से राइटिंग करें और फिर मुझे उसकी पिक्चर बना के सेंड करें। मैं देखती हूँ कि किस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से अपना वर्क डन किया है। जो अच्छा वर्क डन करते हैं उसको पता है ना क्या मिलता है? जी हाँ, उसको मिलता है स्टार। आपको स्टार चाहिए तो आप मुझे इसकी पिक्चर बना के सेंड करें। मैं देखती हूँ कि किस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क डन किया तो उसको मिलेगा स्टार। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।